यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी जिंदगी घड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही भले की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से। याद है जब ये 16 साल पहले बंबई आया था तो पप्पू इस सर्कस को देखने गया था, और तुम्हें ये भी याद होगा उसने इसी सर्कस के लिए पैसे चुराए थे। हाँ, याद आया। देखो कल इसका पहला शो है, हम पहला शो फ्रंट रो में बैठ के देखेंगे, चलोगी ना? अब आपको गुदगुदाने के लिए आए हैं जोकर राजू और हीरा। ये है हमारे सर्कस के जोकर हीरा की जादुई करचिप का कमाल, कभी काला तो कभी सितारा। मुंबई में शो कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खासकर आज हीरा का शो बहुत अच्छा रहा। पहले रिंग में जाने के बाद तो हीरा कुछ नर्वस हो गया ऑडियंस को देख के, परंतु बाद में निजाने इतना अच्छा शो किया कि बच्चे तो उसके दीवाने हो गए। मुंबई में हर शो अच्छा जाना बहुत जरूरी है, यहाँ दर्शक भी स्टैंडर्ड मिलता है और कैपेसिटी भी बहुत है। आज का शो पैक जाएगा ना? एडवांस बुकिंग तो बहुत हुई है, मगर दर्शक दिखाई दे नहीं रहे। दो हफ्ता हर शो अगर पैक गया ना तो सबको बोनस मिलेगा। अच्छा हीरा का है? पता नहीं, पर शो के वक्त बराबर आ जाता है। अच्छा मैं आता हूँ देखकर। और अब हाथी रामू शामू और गणेश द्वारा महेश जी की पूजा। हीरा क्या देख रहे हो? लगता है कोई सुंदर लड़की बैठी है फ्रंट रो में। तो फिर क्या देख रहा है हीरा? आज तक तुमने अपने मन की सारी बातें मुझे बताई, फिर आज ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे छुपा रहा है? क्या बात है हीरा?
तेरी आंखें बता रही है कि कुछ खास बात है। उस कोने में एक मियां बीवी देख रहे हो? कहां? वो फ्रंट रो में। हाँ हाँ हाँ, जिनके बगल में दो सीटें खाली है, वो मेरे मामा मामी है। अरे अरे, तो बुला ना, मैं मुत्तू को भेजता हूँ। नहीं अंकल, नहीं नहीं, मैं इस हालत में उनके सामने नहीं जाना चाहता अंकल। वो मुझे इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ वाले लड़के आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए होंगे। उनके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता अंकल। मगर हीरा, नहीं अंकल, बन मुट्ठी 1,25,000 की होती है अंकल। मैं यहीं से उनको देखकर बहुत खुश हूं अंकल। ये बात किसी से कभी नहीं कहना, आपको मेरी कसम है अंकल। नहीं कहूंगा रे। आपको मेरी कसम है। सूरज, बहाने मत बनाओ तुम। डैडी ने जितना कहा उतना तो लिखना ही होगा, कम से कम ए टू जेड तक तो लिख दो। वो तो लिख लिया मम्मी। और पोएम? वो तो याद ही नहीं होती। सूरज बहुत पिटेगा तू, डैडी का शो खत्म हो रहा है, डैडी आते ही होंगे। ठीक है बता देता हूँ मम्मी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। नमस्ते, मेरा नाम धर्मेश गुप्ता है और ये मेरी पत्नी कामनी है। इनको तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हमारे चरण क्यों छू रहे हो बेटा? माँ बाप के चरण तो आशीर्वाद के लिए छुए जाते हैं। क्या मतलब? आप मेरे माँ बाप की उम्र के, माँ बाप के चरण छूने में कैसी शर्म। वैसे भी तो हम कलाकार हैं, किसी का प्यार थोड़ा सा मिल जाए बस हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जीते दो, तुम्हारा नाम ही हीरा है ना? हमारा बेटा भी सर्कस का बहुत शौकीन था। था? हाँ हाँ। क्या हुआ उसे? वो बचपन में ही घर छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर लौटेगा। हाँ। और उसी उम्मीद पर हम लोग आज तक जिंदा हैं। पप्पू नाम था उसका, मेरा मतलब हम उसे प्यार से पप्पू बुलाते थे। वैसे उसका नाम अमर था। आपके बगल में दो सीटें खाली थी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हम जब भी सर्कस देखने आते हैं हम दो सीटें अपने बच्चों के लिए रिजर्व करा के रखते हैं, एक मिनी के लिए और एक पप्पू के लिए। पप्पू तो हमें छोड़कर चला गया और मिनी ससुराल चली गई, मगर मेरा बेटा पप्पू जोकरों का बड़ा दीवाना था। सोचा मशहूर और नामचीन जोकर से मिलूं, बात करूं, पता तो चले आखिर जोकरों में ऐसी क्या खास बात होती है। इसको तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। देखो बेटा, अगर कभी फुर्सत मिले तो हमारे आना, ये मेरा कार्ड है। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। आओ कम। तुम्हें पहचाना उन लोगों ने? कैसे पहचानेंगे अंकल, तब मैं 12-13 साल का बच्चा था, आज 27-28 साल का आदमी। मगर बहुत तसल्ली मिली अंकल, बहुत तसल्ली मिली। खाना खा रहे हो? हाँ डैडी, मैं ऐसा पढ़ाई भी कर रही हूँ।
अच्छा क्या लिखा? थोड़ा कुछ लिखता है, बाकी उसका सारा ध्यान खेलने में। ओहो, देखो बेटे, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है और तुम बन कर रहोगे। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, शो अच्छा क्या क्या? हाँ बताओ मुझे, क्या करोगे तुम, जोकर बनोगे या स्कूल में जाओगे? हीरा, सूरज को क्या समझता है, वो तो कुछ भी बोलेगा, उसे करना वही है जो हम कहेंगे। नहीं आना, यही बताएगा। बताओ तुम जोकर बनोगे या स्कूल में जाओगे? मैं स्कूल जाऊंगा, वहाँ बहुत दोस्त मिलेंगे, है ना? शाबाश शाबाश, तुम स्कूल में ही जाओगे, स्कूल में ही जाओगे तुम। हेलो, कौन? कहाँ हो पापा? हम 2 घंटे से आपको फोन ट्राई कर रहे हैं। अरे बेटा मिनी, हाँ कैसी हो? हम तो मजे में हैं। आपकी बहुत याद आती है डैडी, आप यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ ना। अरे बेटा इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पा रही है आजकल, पहले तो दामले साहब से किसी ना किसी तरह से काम हो जाता था, अब उनका भी ट्रांसफर हो गया यहाँ से। वो कुछ मुझे नहीं पता, बस ये आप आने का प्रोग्राम बनाइए, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा मोहन कहाँ है? यहाँ है, लीजिए बात कीजिए डैडी। नमस्ते डैडी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? तो ठीक हूँ डैडी, पर ये मिनी कुछ। मिनी? मिनी को क्या हुआ? उसने कुछ बताया नहीं, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है, शी इज फाइन, पर आजकल आप पर बहुत नाराज है वो, और इस हालत में उसे नाराज भी होना चाहिए। किस हालत में बेटा? नहीं डैडी, वो आप नाना बनने वाले हो। अरे क्या, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे खुद ही बात करते रहेंगे, पता तो चले कि किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। अरे भाई तुम नानी बनने वाली हो। सच? अरे जरा मिनी को फोन तो दे। हाँ, 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 हाँ बेटा मिनी, शर्म आ रही है। अरे बेटा मुबारक हो। थैंक यू डैडी। हाँ एक मिनट जरा मम्मी से बात कर। हाँ मिनी कैसी है बेटा? हाँ पहली डिलीवरी है, अपना ध्यान रखना, ज्यादा भारी वजन नहीं उठाना, और हाँ खाने पीने में भी बहुत अलर्ट रहना, हाँ जरा भी लापरवाही नहीं करना। तो तुम आ जाओ ना मम्मी, अब तो आना ही पड़ेगा। पप्पू हमेशा क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं आना। सूरज कहाँ है? सूरज को रूबी पढ़ा रही है, रूबी 10वीं तक पढ़ी है ना? है ना? तुम क्या सोचती हो, हमें सूरज को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हाँ लेकिन हम उसे कैसे पढ़ा पाएंगे, हर 2-4 महीने बाद सरकस अपना ठिकाना बदलती है, और बोर्डिंग स्कूल का खर्चा भी हम कैसे उठा पाएंगे? मगर सूरज को हमें इस माहौल से दूर रखना होगा, हमारी जिंदगी तो यहाँ बन चुकी है। तो तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? सूरज के भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर हम सूरज को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो वो कैसे कुछ बन पाएगा? हमें सूरज को पढ़ाना ही होगा बस। पहले मैं अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब सूरज की तरक्की के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना? नहीं हटूंगा। हीरा तुम्हें एक बात पूछूं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ सर्कस में हमारे सूरज का भला नहीं होगा? पढ़ लिख कर खुले आसमान में उड़ने वालों के लिए तरक्की के सारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, है ना? मैं सूरज को वो बनाना चाहता हूँ जो मेरे पिता ने कभी मुझे बनाना चाहा था। क्या तुम जो कुछ कह रहे हो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझा दूंगा, है ना? ए टैक्सी, थोड़ा बाजू में। नमस्ते नारायण जी। नारायण जी, तुम मुझे पहचानते हो?
आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, नमस्ते, आओ आओ आओ। पप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, यही तो मेरा घर है, मेरे माता पिता इधर ही रहते हैं, देखो कितने खुश हो जाएंगे। कौन? नमस्ते, मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो हम क्या पहले मिल चुके हैं? हाँ बहुत बार। काम में कौन है? मैं हीरा, वो आप सर्कस देखने आए थे ना, वो सर्कस? अरे वो जोकर रेमन सर्कस वाले। हाँ माफ करना, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, उस दिन मेकअप में देखा था ना। काम में कई बार ये मेकअप में और रियल लाइफ में बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा क्या तुम आ गए, आओ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। भाई मैंने जरा कुछ अपने कागज फैला रखे हैं, मैं उन्हें जरा ठीक करके आता हूँ। बैठ। कितना सुंदर घर है ना? हाँ मेरा जन्म इसी घर में हुआ है, ये देखो मेरी तस्वीर। जब तुम सर्कस में आए थे ना तब ऐसे ही लगते थे। हाँ ना प्यारा बच्चा है, लो मिठाई लो, चाय चलेगी ना? भाई माफ करना, भाई अच्छा किया तुमने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐना है मेरी बीवी, ये मेरी सास जेनी जी, और वो मेरा बेटा सूरज। बहुत ही प्यारा बेटा है। बेटा तुम भी जोकर बनोगे ना? नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा। सूरज पढ़ना चाहता है। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरे डैडी मुझे पढ़ाना चाहते थे और मैं जोकर बनना चाहता था। आज मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मैं उसे पढ़ा नहीं सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सॉरी, मुझे लगता है कि हमने कोई आपसे गलत सवाल पूछ लिया है। वो क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारा बेटा भी सर्कस का शौकीन था, लेकिन मैं उसे पढ़ाना चाहता था। भगवान के दया से घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर छोड़ के चला गया। आज वो होता तो इसी उम्र का होता, तुम्हें देखा तो उसकी याद आ गई, और मुझे अपने डैडी मम्मी की। क्या नाम है उनका? उनका नाम है धर्मेश गुप्ता। हाँ डैडी, मैं ही हूं आपका वो बदकिस्मत बेटा जिसने अपनी जिंदगी की बाजी हार कर यह महसूस किया कि कितना गलत फैसला मैंने किया था। मैं ही हूं आपका पप्पू, मैं ही हूं। मुझे पहचानो मम्मी, मुझे पहचानो। मैं वो पप्पू, मुझे अभी भी याद है अपनी स्टडी मिसेस शिवानी, गंगूबाई, दामले अंकल, मोहन, बबलू, टिंकी, अपनी गंदी हरकत पर पछता करने
जाने कितनी बार मैंने अपने आप को कोसा है डैडी, फिर भी माफी मांगने लायक नहीं रहा मैं डैडी, नहीं रहा। और फिर भी आज आपके चरणों पर माथा रखकर मैं आंसू बहाने आपके पास आया था। ना मेरे बेटे, ना। मुझे माफ करो डैडी, मुझे माफ करो। मेरे बच्चे, मम्मी, मैं तुम्हारा पुक्कर। और ये मेरी बहू, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर। नहीं बस, ऊपर वाला भी कमाल है, कमाल के खेल रचाता है। एक झटके में रुलाता है और दूसरे झटके में इतनी खुशी देता है कि खुशी से आंसू निकल आते हैं। डैडी, इन्होंने हमें बहुत संभाला, इन्होंने और राजू अंकल ने। बहू को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमें मिनी मिल गई। और ये बदमाश हमारा पोता है। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। हाँ मम्मी, अब हम टेंट में नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, दादी जो कहेगी वो करना है। ठीक है। अब तुम वापस नहीं जाओगी पप्पू? नहीं डैडी, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं ठहरा अनपढ़ नालायक। अरे तुम मेरी बेटी हो। मैं इस लायक नहीं। आप हमेशा मुझे कहते थे पप्पू तुम खूब पढ़ना, तब मैं उस बात को कभी समझ नहीं पाया डैडी। आज बाप बनकर उस बात को मैं समझ रहा हूं डैडी। मैं कुछ पढ़ लिख लूं तो मैं आपका बेटा कहलाने लायक हो जाऊं। मैं पढ़ना चाहता हूं डैडी, सूरज को पढ़ाना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे, मगर मैं सूरज को जरूर संभालूंगी। मगर बेटा तुम भी, मैं पढ़ लूं तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। सूरज, तुम दादी दादाजी को तंग तो नहीं करोगे ना? कभी नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा। पप्पू, तुम भी एक बात मान लो, बहू को यही रहने दो, हम लोगों को भी मिनी की कमी महसूस नहीं होगी और सूरज को माँ की। मगर ये अकेले मैं रह लूंगा, है ना? क्यों सासू माँ? तुम रुक जाओ ना, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मेरी बेटी को ऐसा घर मिला है। पप्पू का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, छुट्टी के दिनों में वो आ जाया करेगा। सुनिए, आप खाना खाने जाइए, मैं एसिडी करके आता हूँ घर पे। जल्दी आओ, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है, यस। तंग तो नहीं करते टीचर को? अरे बताओ अपने स्कूल के बारे में। हेलो, सूरज बोल रहा हूँ। हेलो सूरज, कैसे हो तुम? डैडी मैं स्कूल जाने लगा हूँ, दादाजी मुझे छोड़ने और लेने आते हैं। हम कार से जाते हैं, दादी जी मुझे टिफिन बनाकर देती है और मम्मी आजकल कम डांटती है। ला बेटा। हाँ हेलो बेटा। हेलो, प्रणाम डैडी। जीते रहो। सूरज आपको सताता होगा ना बहुत? अरे नहीं बेटा, ये तो हमें बुढ़ापे में सहारा मिल गया, ये ना होता तो मैं और तेरी मम्मी कैसे जी पाते। डैडी आप बहुत अच्छे हैं डैडी। पप्पू है? हाँ। लाइए। हेलो, कैसे हो बेटा? प्रणाम मम्मी, नाराज तो नहीं हो ना? अरे तू आया ही नहीं, तेरे लिए कितनी मिठाइयाँ बना के रखी है मैंने। बहुत जल्द छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, सूरज तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा है ना? नहीं रे, वो बहुत खुश है यहाँ पर, तू जल्दी से छुट्टी लेकर आ जा। ठीक है, ले ऐना से बात कर। ले बेटा।
हेलो अन्ना जी। अन्ना, अन्ना तुम रो क्यों रही हो? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मम्मी से नहीं मिला इतना प्यार मुझे मम्मी डैडी से मिल रहा है। तुम अपना ख्याल रखना और खूब मन लगा कर पढ़ना। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, खूब पढ़ रहा हूँ मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। रखूं? हाँ, बाय बाय। बाय बाय। ये लीजिए पैसे। हीरा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। आप शुरू कीजिए, मैं तौलिया लेकर आता हूँ। अरे कौन हो तुम, बताओ कौन हो? मैं पप्पू। पप्पू? पप्पू तो मैं हूँ। नहीं, आप हीरा जोकर हो, मुझे आपकी तरह जोकर बनना है। कहाँ से आए तुम? मेरा कोई नहीं है, मुझे जोकर बनना है। जोकर बनना है? और पढ़ाई? पढ़ाई? देखो, जोकर तो तुम बन जाओगे, मगर तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मंजूर? मंजूर। या पप्पू। अरे आप लोग? हम लोग तुम्हें कुछ दिखाने आए हैं। मुझे क्या दिखाने? ये क्या? यही जो तुम देख रहे हो। अरे तुम्हारी लगन देखकर हम सभी की आंखें खुल गई। हम लोग भी तुम्हारे साथ पढ़ना चाहते हैं। सच? हाँ, बिल्कुल सच। वाह, तो बोलिए। छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम, श से शिक्षा, और ज्ञ से ज्ञान। हो जाएगी बड़ी जिंदगी घड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी। पल हाथों से जाए ना, बीते पल ये आए ना। बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी, चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं। जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला अंधेरों से भी।